नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी ने जो कबूलनामा दिया है उसकी बात करते हैं। यहाँ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में दर्शन हीरा नंदानी ने शपथ पत्र सार्वजनिक किया, जिसके मुताबिक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपने संसद अकाउंट के लॉगिन और पासवर्ड डिटेल शेयर किए। साथ ही दर्शन हीरा नंदानी ने माना कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के अकाउंट पर सवाल भी अपलोड किए। इस पूरे मामले पर टीएमसी ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। तो आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर दर्शन हीरा नंदानी ने अपने शपथ पत्र में दरअसल क्या कहा है। महुआ ने मुझे संसद का लॉगिन और पासवर्ड दोनों दिए, ये अपने शपथ पत्र में उन्होंने कहा, और कहा कि मैंने महुआ के संसदीय अकाउंट पर सवाल अपलोड किए। मैंने अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे। महुआ के संसदीय अकाउंट पर सवाल पोस्ट करता रहा, अपुष्ट जानकारियों के आधार पर सवाल पोस्ट करता रहा और राजनीति में तेजी से तरक्की चाहती थी महुआ मोइत्रा। ये तमाम तरह की बातें शपथ पत्र में कही गई हैं और तेजी से तरक्की के लिए ये पीएम मोदी को निशाना बनाया गया। महुआ मोइत्रा पर उन्होंने आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के लिए अडानी को टारगेट किया गया। मोदी अडानी को टारगेट करने के लिए महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी के लगातार वो संपर्क में थी। सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ भी मदद कर रहे थे। महुआ की शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा ने भी मदद की। महुआ मोइत्रा ने इस काम में विदेशी पत्रकारों को साथ लिया। साथ ही विदेशी पत्रकार फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी के थे। कई भारतीय मीडिया हाउस से भी महुआ संपर्क में थी। उम्मीद कर रहा था कि महुआ का साथ देने से मुझे विपक्षी राज्यों में मदद मिलेगी। मैं महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट भी देता था। मैंने महुआ के सरकारी आवास की मरम्मत करवाई। मैं महुआ की यात्राओं और छुट्टियों का खर्च उठाता था। और दर्शन हीरा नंदानी के हलफनामे ने वकील जय के आरोपों की पुष्टि की है। तो जो कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी है, उन्होंने अपने हलफनामे में ये कहा है कि इस पूरी साजिश में कौन कौन शामिल थे। उन्होंने जो नाम लिए उसमें नाम कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का उन्होंने लिया, शशि थरूर का लिया है, पिनाकी मिश्रा जो बीजेपी के सांसद हैं, इसके अलावा वकील शार्दुल श्रॉफ, वकील पल्लवी श्रॉफ और पत्रकार सुचेता दलाल। और इस पूरे मामले पर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है इस ट्वीट में कि देश की सुरक्षा और संसद की गरिमा मेरे लिए सर्वोपरि है, सत्यमेव जयते। और इस पूरे मसले पर शिकायतकर्ता जय अनंत देहाद्री ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इस पूरे मामले में आरोपों के घेरे में जो महुआ मोइत्रा आ रही हैं, वो अपने जवाब में क्या कह रही हैं। कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के हलफनामे से जुड़े खुलासे के बाद टीएमसी की लोकसभा की जो सांसद है महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, जवाब दिया है जिसमें पीएमओ पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही हलफनामे को लेकर भी सांसद महुआ मोइत्रा ने कई सवाल उठाए। आपको बता दें उसमें जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने दर्शन हीरा नंदानी से जबरन हलफनामा लिखवाया, एक सादे कागज पर लिखवाकर हीरा नंदानी से हस्ताक्षर कराया गया। हीरा नंदानी का हलफनामा जानबूझकर प्रेस में लीक किया गया। दर्शन हीरा नंदानी सीबीआई, किसी जांच एजेंसी या संसदीय आचार समिति से तलब नहीं। हीरा नंदानी ने यह हलफनामा किसे दिया है? हीरा नंदानी ने अगर हलफनामा दिया तो ये नोटरी पेपर या लेटर हेड पर क्यों नहीं? हीरा नंदानी ने सोशल मीडिया पर हलफनामा पोस्ट नहीं किया। यह हलफनामा मीडिया के एक गिने चुने वर्ग को लीक किया गया। ये एक प्ली बार्गेन सिलेक्टिव लीक है। ये अडानी समूह पर सवाल करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। तो अपने जवाब में तमाम बातें यहाँ महुआ मोइत्रा की तरफ से कही गई हैं, जो बातें जो
दर्शन हीरा नंदानी जो कि कारोबारी है, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि किस तरह से महुआ मोइत्रा को उन्होंने रिश्वत दी सवाल पूछने के संबंध में, और संसद का जो उनका लॉगिन आईडी और डिटेल्स पासवर्ड है वो उनसे लेके सवाल उन्होंने ही अपलोड किए थे। हालांकि यहाँ पर जो जवाब जो है हमने देखा किस तरह से महुआ मोइत्रा भी साफ तौर पर दे रही हैं, और तमाम आरोप जो हैं वो महुआ मोइत्रा लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने दर्शन हीरा नंदानी से जबरन ये हलफनामा लिखवाया है और एक सादे कागज पर लिखवाकर हीरा नंदानी से हस्ताक्षर कराए हैं। बहरहाल ये दोनों ही तरफ से जो पक्ष आ रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आप संसद को कवर करते हैं, मामला एथिक्स कमेटी के सामने भी है, बताएं ये अब धीरे धीरे मामला आगे कहां बढ़ता दिख रहा है? जी देखिए, ये मामला तो पहले ही एथिक्स कमेटी के पास भेजा जा चुका है जया, और 26 तारीख को इस मामले पर पहली बैठक भी बुलाई है एथिक्स कमेटी में, जिसमें निशिकांत दुबे और जो दूसरे शिकायतकर्ता हैं उन दोनों को उस दिन बुलाया गया है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जहां तक दर्शन हीरा नंदानी के हलफनामे और उस पर महुआ मोइत्रा के जवाब का सवाल है जया, ये 12 बिंदुओं में दर्शन हीरा नंदानी ने अपना एफिडेविट फाइल किया था, एथिक्स कमेटी के ही को दिया है ये एफिडेविट हलफनामा, और उसमें महुआ मोइत्रा का जवाब काफी विस्तृत आया है। लेकिन दो पॉइंट पर महुआ मोइत्रा खामोश है, वो इसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। पहली बात यह है कि जो हलफनामे का बिंदु नंबर 10 है उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आरोप लगाया ये है, जो निशिकांत दुबे ने भी लगाया था, कि महुआ मोइत्रा ने जो अपने लोकसभा का जो पोर्टल होता है जिस पर जो सांसदों के लिए बना होता है, जिसमें सारे जो विधायी कार्य हैं वो किए जाते हैं सांसदों की तरफ से, उसका पासवर्ड और लॉगिन उन्होंने दर्शन हीरा नंदानी को दिया था, और इस बात की पुष्टि स्वयं अपने हलफनामे में हीरा नंदानी ने की है। तो उस बात पर महुआ मोइत्रा ने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि आरोप ये है कि उसी पासवर्ड और लॉगिन के जरिए दर्शन हीरा नंदानी खुद ही सवाल पूछ लेते थे ऑन बिहाफ ऑफ महुआ मोइत्रा, ये बड़ा आरोप है। इस पर महुआ मोइत्रा ने कुछ नहीं कहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप दर्शन हीरा नंदानी के हलफनामे से जो बात भी जाहिर होती है वो ये कि न सिर्फ महुआ मोइत्रा दर्शन हीरा नंदानी के टच में थी, बल्कि कई बड़े नेताओं का नाम उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा है, जिसमें राहुल गांधी हो, शशि थरूर हो, पिनाकी मिश्रा हो, इसके अलावा कुछ पत्रकारों का नाम लिखा है, कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस जिसमें फिनेंशियल टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, और BBC का नाम तक उस हलफनामे में लिखा है। उस पर वो महुआ मोइत्रा इन सबके टच में रहती थी, और यही लोग अडानी के खिलाफ उनको अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन देते थे, जैसा उसमें हलफनामे में लिखा है। इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो इन दोनों बिंदुओं पर उनके जवाब का इंतजार है, और मुझे लगता है कि अब चूंकि हलफनामा एथिक्स कमेटी को दिया गया है तो 26 तारीख को जो बैठक होगी उसमें भी, और जब आगे इसके बाद चूंकि नेचुरल है कि उसके बाद महुआ मोइत्रा को भी बुलाया जाएगा उनको अपना पक्ष रखने के लिए, इन दोनों तीनों बिंदुओं पर जरूर महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब करेगी एथिक्स कमेटी। अभी चूंकि फिलहाल जांच एथिक्स कमेटी ही कर रही है इस मामले में, इसलिए उसी के पास ये हलफनामा दिया गया है। जी प्रशांत, यहाँ पर अभी तक इस पूरा मामला जब तक ये सामने आया है, TMC का स्टैंड इस पर क्या रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरा, जो दर्शन हीरा नंदानी आरोप लगा रहे हैं, हलफनामा दे रहे हैं, एथिक्स कमेटी उस पर विचार करेगी, यहाँ पर उनको भी सफाई देनी होगी, महुआ मोइत्रा को भी, लेकिन दर्शन हीरा नंदानी जो खुद कह रहे हैं उन्होंने लॉगिन और पासवर्ड लिया और ये सवाल खुद अपलोड किए, तो कानूनी पहलुओं से भी उसकी क्या आगे जाके जाँच होगी? नहीं देखिए, जो कंप्लेन लोकसभा स्पीकर को की गई है वही कंप्लेन CBI को भी की गई है, पूरे दस्तावेजों के साथ, कि कौन कौन से सवाल ऐसे थे जो अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए पूछे जा रहे थे, उसकी पूरी सूची CBI को भी दी गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी जो ये जांच है वो एथिक्स कमेटी ही कर रही है, आगे जाकर अगर इसे CBI टेकअप करती है या कोई और एजेंसी टेकअप करती है तो बिल्कुल इन सभी बातों का जवाब देना होगा महुआ मोइत्रा को, क्योंकि जो निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी लिखी थी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को, उसमें कहा था कि ये जो पासवर्ड और लॉगिन देने का मामला है, एक तरह से आउटसोर्स करने का मामला है, वो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि उनके मुताबिक, निशिकांत दुबे के मुताबिक, जो वेबसाइट होती है और जो
सांसदों का पोर्टल होता है, उसमें कई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी होते हैं, तो इस तरह के भी आरोप लगे हैं। तो अगर चूंकि एथिक्स कमिटी का जो दायरा है वो बहुत सीमित है, वो किस हद तक जा सकती है उसका दायरा सीमित है, इन सब बातों के लिए अगर सीबीआई टेकअप करती है या कोई और एजेंसी टेकअप करती है, तो बिल्कुल इसका एक संभवतः एक इसका क्रिमिनल एंगल भी बनेगा और फिर इस पर आगे जवाब भी देना पड़ेगा। एथिक्स कमिटी केवल संसद में किसी सांसद द्वारा अगर संसद संसद की गरिमा या एथिक्स को चोट पहुंचाई गई है उसकी ही जांच करता है, लेकिन एथिक्स कमिटी ही अगर रिपोर्ट दे देती है कि इस मामले में एडवर्स रिपोर्ट अगर देती है और इस मामले में वो आगे कुछ कहती है, तो महुआ मैत्रा की सदस्यता भी जा सकती है, लेकिन जो क्रिमिनल एंगल है वो किसी और एजेंसी को अगर टेकअप करती है कोई एजेंसी जैसे सीबीआई, उस पर इस बात की जांच होगी और उस पर जवाब देना होगा। टीएमसी के स्टैंड को लेकर नहीं, अभी तक तो टीएमसी की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है और बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि टीएमसी की बड़ी तेज तर्रार नेता मानी जाती है महुआ मैत्रा, लेकिन जब से ये मामला प्रकाश में आया है तब से हम लोगों ने और सब मेरे ख्याल से हर मीडिया की तरफ से टीएमसी से ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन अब तक औपचारिक बयान देने से तृणमूल कांग्रेस बचती रही है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सूत्रों का जरूर ये कहना था कि महुआ मैत्रा अपने स्तर पर जवाब दे रही हैं, उन्होंने जवाब दिया है, और दर्शन हीरानंदानी क्या कहते हैं इस पर हमारी नजर होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और न ही ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कोई औपचारिक बयान अब तक नहीं आया है और ये काफी चौंकाने वाला है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत विस्तार से बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये अब ये मामला आगे बढ़ते हुए एथिक्स कमेटी में भी सुनवाई होगी, और जो हलफनामा यहाँ पर दर्शन हीरा नंदानी ने सार्वजनिक किया है उसकी डिटेल्स हमने बताई, और साथ ही महुआ मोहित्रा ने जो जवाब दिया है वो भी हमने आपको बताया। तो देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद में आज रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे, हालांकि इसे अब रैपिड एक्स नहीं बल्कि नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार की अगर बात की जाए तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रैपिड रेल के पहले चरण में 21 अक्टूबर से यानी कल से लोग साहिबाबाद से दुहाई, जो लोग वाकिफ नहीं है इस जगह से दुहाई, तो आपको बता दें जो राजनगर एक्सटेंशन का इलाका है उसे 1-1.5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो दुहाई का ये स्टेशन है, तो साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर का सफर तय कर पाएंगे। तो पहला चरण है, आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और कल से आम लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो बस सियासत की बात कर लेते हैं, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी कर दी। इस दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट की एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को बदल दिया है। दतिया से अवधेश नायक का टिकट काटकर राजेंद्र भारती को दे दिया गया है। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को टिकट देने का विरोध हो रहा था, जिसके कांग्रेस ने इसलिए टिकट अब बदल दिया है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह का टिकट बदलकर अरविंदर सिंह लोधी को दिया गया है। तो चुनावी माहौल यहां पर बना हुआ है, और इसी मौसम में केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, वो भी पूरे 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर। रबी सीजन की कुल 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है, जिसमें कि जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम शामिल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने की बात अपने वचन पत्र में कही है। हालांकि किसान दोनों को चुनावी फसल काटने की एक जुगत बता रहे हैं, उस पर देखते हैं रिपोर्ट। गेहूँ के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तकलीफ है जिंदगी तो मरी जाओ, अभी अगले साल नानी की शादी करी थी, 2 लाख रुपये कर्ज है, माथे ना 8 क्विंटल सोयाबीन हुई है, क्या करेंगे, लेवर अच्छी कही टूटते नहीं, टूटते नहीं,
सरकार ने गेहूं के लिए नया समर्थन मूल्य तय कर दिया है। भोपाल से लगभग 180 किलोमीटर दूर आगर मालवा के कृषि मंडी में बुराई बांध गांव के धीरप सिंह मिले। 8 बीघा जमीन से 6 लोगों का परिवार पालते हैं। बिटिया की शादी के लिए 2 लाख का कर्ज लिया था। सोयाबीन से उम्मीद थी, ना उम्मीद हो गए। गेहूं का बीज अभी 4000 से लेकर 5000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। दवाई, कटाई और मजदूरी का खर्च अलग, बड़ी कीमत का असर उनके आंसुओं ने बता दिया। 150 की बढ़त सुनने में अच्छी लगे, लेकिन किसान का गणित सुनिए। कहीं भी नहीं में कोई के लेन देन रहे तो पानी हटे बेचेगा क्या? सोसाइटी में गाँव देगा, 2 महीना में 1 महीना पैसा है, कहाँ तक इंतजार करेगा? जानते तो लाकड़ी मारू जाए, मशीन वाला का पैसा देना पड़े, दाटके का पैसा देना पड़े, हमारे तो एंड टू एंड बेचना पड़े। ये मनी 1500 का बीके तो देना पड़े। तो कितना रेट आपको चाहिए समर्थन? हमारे 300 से ऊपर बिकना चाहिए, 4000 तक गेहूँ चली जाए तो हमारे पूरे नहीं। गेहूँ पर MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई है, यानी 2125 के बजाय 2275। जौ में 115 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, 1735 से 1850 रुपये प्रति क्विंटल। चना 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा, यानी 5335 से 5440 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर 6000 से 6425 यानी 425 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों तिलहन 4450 से 4650 यानी 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त। वहीं कुसुम 5650 से 5800 यानी 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त। देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 9590 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है, उसके बाद 7150 हेक्टेयर से मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये देने का ऐलान किया है। हालांकि भोपाल के मिसरोद में जिन किसानों से हम मिले, उन सबको लगता है ये वोट की फसल काटने के लिए चुनावी ऐलान है। आजकल ऐसी हो गई है कि जो भी सरकार बिना लालच दिए तो राजनीति में आ ही नहीं पा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हर वर्ष 150 रुपये 25 रुपये बढ़ते हुए आए हैं, इस बार बड़ी 150 रुपये की बड़ी अमाउंट बढ़ाई है उन लोगों ने। वो तो चुनावी दौर है भैया, वो चीज़ें आप घोषणा करेंगे उस पर अमल होता है नहीं होता वो बात का दौर है, बाकी 2125 रुपये जो है वो मूल फिक्स है। सरकार अगर सही फायदा दे तो किसानों को बीमा भी मिलना चाहिए, किसानों को फायदा खाद बीज में मिनिमम एक रेट मिलना चाहिए। रेट ही नहीं मिल रही है, खाद बीज महंगा होगा, फसल का दाम बढ़ा ही नहीं है। चुनावी फंडा है ये, इससे कोई फायदा नहीं है। जो कांग्रेस ने क्या वादा करा है? कांग्रेस ने 2700 का करा, कांग्रेस भी ऐसी है, कांग्रेस का भी कोई बड़ा नहीं है, वो भी चुनाव फंडे खेल रही है, चुनाव के बाद कोई पूछता ही नहीं है किसान को। लेकिन सरकार और विपक्ष के अपने तीर हैं, तर्क हैं। MSP में बढ़ोतरी करने की मांग किसानों की कई सालों से थी, और इसीलिए MSP में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। किसानों के हित का ही निर्णय है, उसमें इलेक्शन का कोई विषय नहीं है। इलेक्शन तो मध्य प्रदेश में हो रही है, इलेक्शन राजस्थान में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, लेकिन ये पूरे देश के किसानों का विषय था, और इसलिए पूरे देश के किसानों को MSP बढ़ाने से फायदा होगा, तो इसीलिए इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बार अचानक जो कल्चरल कैलामिटी होती है वो होती है, अचानक बारिश आता है, उसमें किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों ने उसका सर्वे करके उनको मदद करनी चाहिए। और महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ था, महाराष्ट्र सरकार ने उनको मदद दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों को मदद की है। चाहे केंद्र हो या राज्य हो, अब किसानों के प्रति वो हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का किसान यह नहीं भूला है कि 29,000 किसानों ने अब तक सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से, और यदि मैं बढ़कर यूं आगे कहूं कि किसान पुत्र शिवराज सिंह जी की नीतियों और कुनीतियों के कारण आत्महत्याएं की हैं, तो वो परिवार क्या सिर्फ एक MSP बढ़ाने से उस गम को भूल जाएगा? सरकार किसानों के पसीने पर MSP का निर्धारण करती है, लेकिन इसी पसीने की बंपर कमाई भी उसे मिलती है। मसलन पिछले साल सिर्फ नवंबर तक 5 लाख मेट्रिक टन गेहूं निर्यात के लिए बंदरगाहों पर पहुंच गया था, जिसका मूल्य 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, जबकि 2021-22 के पूरे वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में आंकड़ा 1,76,000 मेट्रिक टन था, जिसकी कीमत 420 करोड़ रुपये थी। किसी भी राजनीतिक दल का भाषण किसानों के बगैर शुरू या ख़त्म नहीं होता, लेकिन तथ्य ये है कि चाहे कोई गेहूं को 2200 रुपये, चाहे कोई 2700 रुपये देने की बात कहे, लेकिन सालों पहले केंद्र और राज्य के बीच में ये समझौता हो चुका है कि अगर आप किसी भी फसल पर बोनस देंगे तो केंद्रीय पूल में खरीदारी कम हो जाएगी।
किसान भी इसे समझता है, लेकिन चुनावी मौसम में अगर थोड़ी फसल कट जाए तो हर्जी क्या है, क्योंकि वैसे भी तो चुनाव के बाद किसानों को भाषणों तक ही सीमित रहना है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो राजस्थान में भी चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में अब करीब एक महीने का ही वक्त बचा है। 25 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर अभी भी एक राय नहीं बन पाई है। वजह गुटबाजी और बगावत को बताया जा रहा है, लेकिन कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक तीर से कई निशाने यहां पर साधे और ये कहकर सियासी हलचल काफी तेज कर दी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। इस पर देखते हैं पहले रिपोर्ट। राजस्थान के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, लिहाजा केंद्रीय चुनाव समिति दोबारा बैठेगी। पहली सूची में 100 से ज्यादा ऐसे नाम थे जहां एक ही नाम दिया गया था, लेकिन आलाकमान को कुछ नामों पर एतराज था। सबसे प्रमुख नाम मुख्यमंत्री के करीबी शांति धारीवाल का है और पिछले सितंबर में इनके घर पर ही विधायक इकट्ठा हुए थे। वहीं से अशोक गहलोत के दिल्ली जाने पर विरोध के स्वर उठे थे। अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर आलाकमान राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को दोबारा मौका देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही खींचतान अब दोबारा दिखाई दे रहा है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। हम सब एकजुट हैं, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब, उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको। एक टिकट पर भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उसे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। लेकिन क्या यही भूलो और आगे बढ़ो का फॉर्मूला उनके लिए भी अपनाया जाएगा? क्या शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिलाने में सफल हो पाएंगे मुख्यमंत्री? साथ ही वसुंधरा राजे को लेकर उनका बयान भी चौंका रहा है कि उनकी सरकार गिराने की साजिश में वो शामिल नहीं थी और उसकी सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। चुनाव के बीच में दोस्ती के ये स्वर, इसके राजनीतिक मायने कई हैं। एक तीर और कई निशाने, अशोक गहलोत ने आज AICC हेडक्वार्टर्स में कह दिया कि वो पायलट समर्थकों को टिकट दिलाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 10-10 करोड़ के ऑफर थे और उनकी सरकार गिराने की साजिश थी। इसके साथ ही उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान दिया, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे इस साजिश में शामिल नहीं हुई। ये ऐसे समय पर उनका बयान आया है जब खुद वसुंधरा राजे को भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति वसुंधरा राजे से जुड़ जाएगी अशोक गहलोत के इस बयान के बाद। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। तो अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने यहां साधने की कोशिश की और कल अशोक गहलोत ने कहा था कि वो सचिन पायलट के एक भी टिकट पर सहमति नहीं दिखा रहे हैं। इस बारे में जब सचिन पायलट से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने भी हाई कमान के खिलाफ जाने वाले किसी उम्मीदवार पर असहमति नहीं जताई। कुछ अनुभव भी है हम लोग काम करने का आपस में साथ साथ, और सुनो जहां तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया, चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जिताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार था। और अब बात करते हैं भारत और कनाडा के संबंधों की। कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं उनका दावा है कि भारत ने कनाडाई राजनयिकों का जो विशेष दर्जा है वो खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है। कनाडा की विदेश मंत्री ने जो दावा किया उसमें कहा गया है कि भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत ने 41 कनाडा के राजनयिकों के लिए ये संदेश दिया है। सभी 41 कनाडाई राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी समाप्त
may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is complete. Consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. और उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। 41 राजनयिकों और उनके 42 परिजनों पर भी बताया जा रहा है एक तरह से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। उमा, आपसे समझना चाह रहे हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है आज वो खत्म हो रही है, उसके मायने समझाएं और किस दिशा में अब भारत और कैनेडा के संबंध आगे बढ़ रहे हैं, जो कैनेडा की विदेश मंत्री जो कह रही हैं उसको लेकर भी, उस पर भी रोशनी डालें। जी देखिए, जब से निजर हत्याकांड में कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर उंगली उठाई, उसके बाद से जो एक डिप्लोमेटिक जो एक तनाव जो दोनों देशों के बीच पैदा हुआ, जिसमें पहले कनाडा ने एक राजनयिक भारत के राजनयिक को निकाला, उसके बाद भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को निकाला, भारत ने जो है वो वीजा सर्विस जो है कनाडा के लिए उस पर पहुंच कर रखा है। अब जो भारत जो है वो चाहता है कि जो एक पैरिटी हो, एक समानता हो, जो भारत के राजनयिक कनाडा में है उनकी संख्या में और जो कनाडा के राजनयिक भारत में उनकी संख्या में। अभी तकरीबन 62 जो राजनयिक हैं कनाडा के वो भारत में हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना है भारत के जो राजनयिक कनाडा में हैं उनसे। इसलिए भारत ने जो समानता की मांग की, तो उसके बाद कनाडा की तरफ से एक खबर आई कि 41 राजनयिकों को भारत छोड़ने का जो आदेश है वो दिया है, और उसके लिए समय सीमा पहले 10 अक्टूबर रखी गई थी और ये कहा गया था कि 10 अक्टूबर तक ये नहीं जाएंगे तो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। वो जो है वो अब कनाडा की तरफ से जो उनकी विदेश मंत्री जो दावा कर रही हैं वो ये कि आधिकारिक तौर पर अब भारत की तरफ से ये कन्वे कर दिया गया है कि 41 जो डिप्लोमैट्स हैं उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो आज 20 तारीख को ये खत्म हो जाएगी, यानी कि अब के बाद वो यहां पे रहेंगे तो इंडिया का जो जुरिसडिक्शन है वो लागू होगा, यहां का कानून जो है वो लागू होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है किसी होस्ट कंट्री में जिस भी गेस्ट कंट्री के डिप्लोमैट होते हैं उनके ऊपर उस देश का नियम कायदा कानून लागू नहीं होता। इसके पीछे मकसद ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी राजनयिक को उस देश में उस देश के कानून के तहत प्रोसिक्यूट न किया जा सके, किसी तरह से परेशान न किया जा सके। तो ये एक जो व्यवस्था है वो दुनिया भर में लागू है। तो जो भारत पैरिटी चाहता है वो ये कि कनाडा जो है वो उतनी ही तादाद में अपने डिप्लोमैट्स को इंडिया में रखे जिस तादाद में भारत के डिप्लोमैट वहां पर हैं। अब सवाल है कि कनाडा को ज्यादा संख्या में क्यों चाहिए यहां पर जो डिप्लोमैट्स, क्योंकि कनाडा में बहुत अधिक संख्या में तकरीबन 1.6 मिलियन यानी 16 लाख के आसपास जो है भारतीय ओरिजिन के जो लोग हैं वो रहते हैं, उनके रिलेटिव यहां से आते जाते रहते हैं, तो उनको वीजा फैसिलिटेशन और बाकी जो सर्विसेज है उसके लिए कनाडा को यहां पे ज्यादा तादाद में जो राजनयिक हैं वो चाहिए। लेकिन अब विदेश मंत्री ने जो कनाडा की है उन्होंने कहा है कि जो बेंगलुरु और चंडीगढ़ और मुंबई ये कॉन्सुलेट जो है उनमें जो इन पर्सन जो कामकाज है वो ठप हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो कनाडा के राजनयिक हैं उनको जाने को कहा गया है। भारत ने साफ कहा है, भारत ने जो हमारी सूत्रों से बात हुई उन्होंने साफ कहा है कि भारत ने कभी भी एक्सपल्शन की बात नहीं की है, वो सिर्फ पैरिटी की मांग करता रहा है, समानता की मांग करता रहा है, और इस दिशा में लंबी बातचीत चली है। लेकिन जो भारत इस बात को लेकर बिल्कुल एक जोर देकर कह रहा है कि कनाडा के राजदूतों को कनाडा के राजनयिकों को जाना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनल यहां पे जो भारत के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें वो दखल करते हैं, सबसे बड़ा आरोप भारत की तरफ से लगाया गया है। तो अब जो कनाडा है उसका कहना है कि उनके राजनयिक जब जाएंगे तो वीजा सर्विस पे असर पड़ेगा, मुश्किलें आएंगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो जो जब से ये तनाव चला है तब से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक डिप्लोमेटिक स्पैट जो है वो बना हुआ है और इसका अभी फिलहाल कोई अंत जो है उसकी सूरत हाल नजर नहीं आती। बिल्कुल, अभी फिलहाल जो सूरत हाल बना हुआ है, जिस तरह के तनावपूर्ण स्थिति भारत और कनाडा के बीच बनी हुई है, उसका फिलहाल जो ये कॉन्सुलेट बंद हो रहे हैं उसका हल होता हुआ दिख नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमसे जुड़ने के लिए और इस पर रोशनी डालने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और आपको एक खबर दिखाते हैं। जिस वारदात को पहले बताया जा रहा था कि महज लूट है और हत्या का मामला माना जा रहा था, उसमें अब टारगेट किलिंग यानी कि पहचान के आधार पर हत्या का मामला भी जुड़ गया है। दरअसल 13 अक्टूबर की रात मुंबई से सटे ठाणे जिले में एक मोटरसाइकिल सवार ने स्कूटर से जा रहे दो युवकों पर 8 राउंड फायरिंग की और फरार हो गया। यहां पर जो पुलिस है उसने अहमदनगर पुलिस की मदद से जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो पता चला वो पुलिस में सिपाही है और उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से युवकों पर गोली चलाई थी और शुरुआती जांच में पुलिस ने लूट के लिए गोलीबारी का शक जताया था। मुंबई से सटे ठाणे जिले में 13 अक्टूबर की रात हुई इस वारदात में अब नया मोड़ आ गया है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने लूट के लिए गोलीबारी का शक जताया था, लेकिन मृतक अजीम सैयद के घरवालों का आरोप है कि उसे अगर लूटना था तो वो अजीम के पैसे, चैन और मोबाइल क्यों नहीं ले गया। दोनों बंदों के पास में आईफोन था, उनके मेरे भाई के जेब के अंदर 15,000 से 13,000 रुपए कैश था सर। अगर रॉबरी वाला कोई ऐसा ये रहता तो वो गन पॉइंट के ऊपर उनसे पहला वो छीनता, हाथापाई करता या किधर पैर में या हाथ में उसको डैमेज करता। 13 अक्टूबर की रात गोलीबारी में जख्मी अजीम सैयद और फिरोज शेख दोनों चचेरे भाई हैं और विरार में एक ही चौल में रहते हैं। परिवार वालों के मुताबिक उस रात दोनों मालेगांव जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल सवार ने पड़घा जाने का रास्ता पूछा। दोनों ने कहा हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। करीब 10 किलोमीटर साथ चलने के बाद मोटरसाइकिल सवार ने दोनों को रुकने को कहा और उनका नाम पूछा। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया उसने गोली मार दी। अजीम ने मरने के पहले दिए बयान में ये बात खुद बताई है। यही वजह है कि घर वाले इसे टारगेट किलिंग बता रहे हैं और पुलिस वालों पर मामला दबाने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें पुलिस ऐसा बता रही है कि उसके ऊपर लोन है, 40-42 लाख का लोन है, तो क्या ये इतने से काम में वो पैसा कितना मिल सकता था उसको, 40-42 लाख रुपया मिल सकता था। ये सिर्फ पुलिस एक कहानी बता रही, इसके पछे पुछ पीछे कोई ना कोई तो हाथ है जिसको छुपाना चाहते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन गए तो हम जनता जाए तो जाए का, हम किसके पास जाए, हमारा कौन सुनेगा। ये गलती हो रहा है ना, दाढ़ी वाले टोपी वाले पठानी वाले मिले, शूट कर दिए, बाद में साइको बता दिए। अगर यही कोई मुसलमान करता तो क्या बोलते थे, आतंकवादी पाकिस्तान से आया, तो ये कहां से आया, इसका जवाब दो। अजीम की शादी हो गई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं। वो मोबाइल रिपेयर कर अपना घर चलाता था। बुरी तरह से जख्मी फिरोज का सायन अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार वालों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और मृतक के परिवार को मुआवजा। इंसाफ करो, माफ करो, इंसाफ करो, उसको भी फांसी की सजा देना मेरे से। पुलिस प्रशासन से और शासन से हमारी ये मांग है कि उसके दोनों बच्चे, उसकी वाइफ के लिए हमको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। आरोपी मुंबई पुलिस का सिपाही सूरज देवराम ठोकरे है, जो अपनी सर्विस रिवॉल्वर से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज यानी तांत्रिक विश्लेषण है वरुण आरोपी हा। सीसीटीवी और टेक्निकल जांच से पता चला है कि आरोपी अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि बस में जा रहा है। तीन टीम बनाकर आरोपी को कोल्हार बस स्टैंड से गिरफ्तार कर ठाणे ग्रामीण पुलिस को सौंप दिया गया है। कोल्हार बस स्टैंड या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास कामी ठाणे ग्रामीण पुलिस स्टेशन च्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे। पडघा पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस सिपाही पर 40-42 लाख रुपए का कर्ज है, इसलिए लूट के इरादे से उसने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस की कहानी पर कई सवाल हैं जिसका जवाब देने से फिलहाल वो बच रही है। अगस्त महीने में जोधपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, ठीक उसी तरह पड़घा की यह टारगेट किलिंग भी सवालों में है। ठाणे से ब्यूरो रिपोर्ट और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।